तो हे गाइस, इट्स मी अंशु। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया क्योंकि आप लोगों का जो सैमसंग का गैलेक्सी M21 डिवाइस है, इस डिवाइस में आप लोगों को One UI 3.1 का जो अपडेट है वो आखिर आप लोगों को कब तक देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी मेरी वॉइस ख़राब हो रही है तो उसको इग्नोर करना और यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि कब तक आने वाला अपडेट। आप लोग चाहो तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, और चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे One UI 3.1 का जो अपडेट है सैमसंग के गैलेक्सी M21 डिवाइस के अंदर वो बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो सैमसंग का गैलेक्सी M21 डिवाइस है, इस डिवाइस को अभी रिसेंटली हमें One UI 3.0 का अपडेट देखने को मिला है। और यहाँ तक ये जो डिवाइस है ये है एक मिड रेंज डिवाइस, तो सैमसंग इसमें आप लोगों को थोड़ा सा तो जो अपडेट के लिए वेट है वो कराने वाला है। बिकॉज़ यहाँ पे सैमसंग का आप लोगों को पता है थोड़ी पहले फ्लैगशिप सीरीज़ को अपडेट दिया जाता है, देन आप लोगों की मिड रेंज को, देन आप लोगों की बजट और यहाँ पे जो लोअर मिड रेंज है उन डिवाइसेस को। तो जो आप लोगों का सैमसंग का M21 है लोअर मिड रेंज डिवाइसेस में आता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात कन्फर्म कर दूँ कि अपडेट आप लोगों को इतनी जल्दी तो देखने को मिलने वाला है नहीं। और जो आप लोगों का One UI 3.1 है वो Android 11 के ऊपर ही बेस्ड होगा। जस्ट इसके अंदर आप लोगों को थोड़े से नए इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, बग्स इम्प्रूवमेंट और भी बाकी सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पे हम लोग बात ही कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा रोल आउट स्केड्यूल है रोल आउट न्यूज़ की। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा सैमसंग ने ना अभी यहाँ पर कंफर्म कर चुका है कि सैमसंग प्रोवाइड करेगा यूज़र्स को गारंटेड 4 ईयर ऑफ अपग्रेड ऑफ सिक्योरिटी पैचेस टू मेक देयर डिवाइसेस मोर सिक्योर एंड मोर एफिशिएंट इफ़ वी कंपेयर विथ एनी ब्रांड ऑल थ्रू द। यहाँ पर ना सैमसंग ने यहाँ पे ये डिसीज़न लिया है, तो यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी है। सैमसंग ने ना यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा सैमसंग के ना यहाँ पे प्लान्स चेंज नहीं हुए, जस्ट प्लान अपग्रेड हुए हैं। यहाँ पे सैमसंग आप लोगों को 2 साल तक जो मेजर अपडेट देता था वो तो देगा ही, बट यहाँ पर जो आप लोगों को जो मेन यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है सिक्योरिटी पैचेस अपडेट आप लोगों को देने वाला है। 3 साल था अभी, अब उसको 1 साल एक्सटेंड करके 4 साल कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और M21 डिवाइस के अंदर भी ये वाला जो अपडेट्स हैं 4 साल तक देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उसी के बाद अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों का जो यहाँ पे सैमसंग का M21 डिवाइस है, इस डिवाइस में एक्सपेक्टेड One UI 3.0 की लॉन्च डेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे One UI 3.1 की वो है करीब 2Q 2021। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने हैं जिनके अंदर आप लोगों का ये जो अपडेट है One UI 3.1 का Q2 2021 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है One UI 3.1 का। और सैमसंग ने आप लोगों को पता रहना चाहिए अभी तक प्रिपेयरिंग कर रहा है One UI 3.1 की स्टार्ट करने के लिए रोल आउट। अब आप लोगों को पता है सैमसंग का जो आप लोगों की M सीरीज़ है इसके सारे डिवाइसेस के अंदर आप लोगों को One UI 3.1 या फिर 3.0 का कोर वर्ज़न देखने को मिलेगा, तो कोर वर्ज़न को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सैमसंग को, तो सैमसंग यहाँ पर आप थोड़ा टाइम लेगा। जहाँ तक कि आप लोगों को पता है प्रोसेस थोड़ा लंबा भी होता है, तो टाइम लगेगा। अब सैमसंग की कम्युनिटी पे एक्टिव रहो, वहाँ पर आप लोगों को पूरी न्यूज़ मिलती है। और उसी के साथ साथ अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने आप लोग मान के चलो, इन 3 महीने के अंदर जो आप लोगों को One UI 3.1 का अपडेट है आप लोगों के गैलेक्सी M21 डिवाइस के अंदर वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें One UI 3.1 के यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स की, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले पता होगा One UI 3.1 है जो आप लोगों का इसके अंदर प्राइवेसी को लेके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करे गए हैं। One UI 3.1 के अंदर सैमसंग ने फोकस करा है मेनली प्राइवेसी रिलेटेड फीचर्स के लिए, फीचर्स के ऊपर। बेशक वो आप लोगों के फ़ीचर्स काम करते हो या फिर आप लोग काम नहीं लेते हो उन फीचर्स का, बट सैमसंग ने One UI 3.1 के अंदर इम्प्रूव करा है, तो ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू यूज़र्स फीडबैक सैमसंग ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे इम्प्रूवमेंट्स करे हैं। उसी के साथ साथ एक ऑप्शन सैमसंग ने इम्प्लीमेंट करा है One UI 3.1 के अंदर, आप लोग अगर कोई भी फ़ोटो या फिर वीडियो को किसी के साथ शेयर करते हो थ्रू गैलरी, तो आप लोगों को गैलरी के थ्रू करने में एक फ़ायदा रहेगा, आप लोगों की जो भी पर्सनल लोकेशंस डाटा एंड जितने भी आप लोगों के कैसे होंगे इस फाइल के या फिर उस आप लोगों के फ़ोटो के,
वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा बाय सैमसंग। तो वन यू आई 3.1 के अंदर ये फीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है प्राइवेसी से रिलेटेड, तो इसको आप लोगों को ज़रूर से यूज़ करना जैसे आप लोगों को वन यू आई 3.1 का अपडेट देखने को आपके डिवाइस में मिल जाए। ठीक है, बात गई सैमसंग ने यहाँ पे कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट करे हैं जिनको आप लोग यहाँ पे मान सकते हो वन यू आई 3.1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को एक लुक देखने को मिलने वाला है। सैमसंग ने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ना जो कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है, एंड उसी के साथ साथ जो कैमरे के अंदर फीचर्स हैं लाइक आप लोगों का यहाँ पे सिंगल टेक 2.0 इसको इम्प्रूव करा है। इसके अंदर आप लोगों को जो सिंगल टेक 2.0 देखने को मिल जाता है इसकी आप लोग प्रोसेसिंग टाइम बचाने के लिए यहाँ पे एक आप लोगों को मोड्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आप लोग जाके उन मोड्स को डिसेबल कर पाओगे। तो वहाँ पर आप लोगों को फालतू के जो भी फिल्टर्स नहीं चाहिए होंगे उनको आप लोग हटा सकते हो, तो सिंगल मोड 2.0 आप लोगों को कुछ इस टाइप से हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो आप लोगों का डायरेक्टर्स व्यू करके एक ऑप्शन ऐड करा गया, बहुत से यूज़र्स पूछते हैं कि डायरेक्टर्स व्यू आखिर है क्या, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डायरेक्टर्स व्यू ये जो एप्लीकेशन के अंदर कैमरा एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिला है, ये आप लोगों के ना डिवाइस के अंदर जितने भी कैमरा सेंसर्स एंड आप लोगों के कैमरा आते हैं उनको यूज़ करके आप लोगों का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो शूट करता है जिससे आप लोग ना पूरे डायरेक्टर्स की तरह एकदम व्यू कर पाओगे ए टू जेड चीज़ें कि आप लोगों के आगे पीछे साइड में एंड क्या क्या चीज़ें हो रही है, जिससे आप लोगों को वीडियोग्राफी के वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सैमसंग और मैं खुद रिकमेंड करते हैं कि आप लोग इस वाले फीचर को यूज़ करो अगर आप लोग कोई डिजिटल क्रिएटर हो, तो ये वाला फ़ीचर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एंड मेरा भी वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। इसको मैं भी अपने सैमसंग के गैलेक्सी A51 के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस फीचर को आप लोग ज़रूर से यूज़ करके देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को एक्सपीरियंस रहने वाला है इस फीचर को यूज़ करने के बाद। ऑल्सो यहाँ पे सैमसंग ने ना गैलरी एप्लीकेशंस के अंदर भी कुछ इन्हेंसमेंट ऐड करे हैं, लाइक आप लोगों को जो गैलरी के अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन ऐड करा है लैप्स करके, जिसके अंदर आप लोगों को आप लोग अपनी जो भी फोटोग्राफ्स होती हैं उनके अंदर अनएक्सपेक्टेड बैकग्राउंड को एडिट कर पाओगे। जो भी आप लोगों का अननेसेसरी बैकग्राउंड आ जाता है कैप्चर हो जाता है फोटोग्राफ्स में उनको आप लोग यहाँ पे रिमूव कर पाओगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है जिसको आप लोग आके यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सैमसंग यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होएगा। इसी के बाद सैमसंग ने ना यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स करे हैं, लाइक आप लोगों का ये जो वन यू आई 3.1 अपडेट है ना इसके अंदर सैमसंग ने वन यू आई 3.0 के अंदर डार्क मोड के अंदर कुछ इशूज़ आ रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है डार्क मोड जो था सैमसंग गैलेक्सी मतलब सैमसंग की वन यू आई 3.0 का वो पूरा डिपेंड था एंड्रॉयड 11 पे, और एंड्रॉयड 11 का मेजर फीचर था स्केड्यूलिंग डार्क मोड। तो जो स्केड्यूलिंग डार्क मोड था वो फर्स्ट जनरेशन फीचर था और इसमें वर्क नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी R&D करके इस वाले फीचर को आप लोगों के सैमसंग के बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कैपेबल कर दिया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो इस फीचर को तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। उसी के साथ साथ आप लोगों को सैमसंग ने यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के अंदर डार्क मोड का सिस्टमेटिक सपोर्ट इम्प्लीमेंट करा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट है ये। उसी के बाद आप लोगों को गूगल के ना यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इंटीग्रेट हुए हैं जिनको आप लोग कह सकते हो वन यू आई 3.1 के अंदर, लाइक आप लोगों का गूगल डिस्कवर फीड एंड लॉट्स ऑफ मोर फीचर्स ऐड हुए हैं। तो यही थे कुछ फीचर्स जो कि आप लोगों के सैमसंग ने ऐड करे हैं वन यू आई 3.0 अपडेट 3.1 अपडेट के अंदर। तो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू ऑल गाइज इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो।